नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल RBSC विद HSM में। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के द्वारा विभिन्न महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम इन नोटिफिकेशंस के संदर्भ में विस्तार पूर्वक चर्चा इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले हमें लॉगिन होना होगा राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर की ऑफिशियल वेबसाइट पर। इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उपलब्ध करा दिया गया है। जैसे ही वेबसाइट पर लॉगिन होंगे, हमें इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। ऑफिशियली कम्युनिकेशन दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हमारे सामने नोटिस का ऑप्शन दिखाई देगा। मोर पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते हमारे सामने एक नया वेब पेज ओपन होगा। नोटिस रिलेटेड टू स्पेशल प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन 2021 दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हमारे सामने एक PDF फाइल डाउनलोड होगी। इस PDF फाइल को डाउनलोड करके इस प्रकार आसानी से देखा जा सकता है। विशेष प्रायोगिक परीक्षा संबंधी सूचना, स्नातक स्नातकोत्तर संकाय बकाया प्रश्न पत्रों सहित की प्रायोगिक परीक्षा 2021 में किन्हीं कारणों से अनुपस्थित या वंचित रहे परीक्षार्थियों की विशेष प्रायोगिक परीक्षा विलंब शुल्क के साथ दिनांक 9/11/2021 तक आवेदन विश्वविद्यालय कमरा नंबर 219 में आवश्यक रूप से जमा करावे। उक्त तिथि के पश्चात आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे। विलंब शुल्क, स्नातक परीक्षा ₹500 प्रति प्रश्न पत्र विलंब शुल्क रखा गया है। स्नातकोत्तर एवं व्यावसायिक परीक्षा ₹1,000 प्रति प्रश्न। प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज, नियमित परीक्षार्थियों के लिए संबंधित महाविद्यालय से अनुपस्थिति का प्रमाण पत्र, स्वयं पाठी परीक्षार्थी प्रशिक्षण प्रमाण पत्र व संबंधित महाविद्यालय से अनुपस्थित प्रमाण पत्र। उक्त परीक्षार्थियों की विशेष प्रायोगिक परीक्षा LBS महाविद्यालय तिलक नगर जयपुर तथा कनोडिया महाविद्यालय जयपुर में आयोजित की जाएगी, जिसकी सूचना प्रत्यक्ष विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जारी की जाएगी। अब बात करेंगे हम सेकेंड नोटिफिकेशन के संदर्भ में। नोटिफिकेशन फॉर एक्सटेंशन ऑफ लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म यूनिराज MPAT 2019 and 2020 दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हमारे सामने एक PDF फाइल डाउनलोड होगी। इस PDF फाइल को डाउनलोड करके इस प्रकार आसानी से देखा जा सकता है। नोटिफिकेशन इन कंटिन्यूएशन टू एन एडवर्टाइजमेंट फॉर एडमिशन इन MPhil एंड PhD प्रोग्राम्स थ्रू यूनिराज MPAT 2019 and 2020 इन डिफरेंट सब्जेक्ट, इट इज इन्फॉर्म्ड दैट द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फॉर्म्स इज एक्सटेंडेड फ्रॉम 26 अक्टूबर to 27 अक्टूबर 2021 and hard copies of form may be submitted on or before 29th October 2021 in Department of Sociology, University of Rajasthan, Jaipur. The date of Uniraj MPAT 2019 and 2020 examination will be notified later. तो यह स्पष्ट कर दिया गया है कि 26 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर 2021 तक रात्रि 11:59 तक हम ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 29 अक्टूबर 2021 तक हम हार्ड कॉपीज और आवश्यक जो दस्तावेज हैं संबंधित डिपार्टमेंट सोशियोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर डिपार्टमेंट में जमा करा सकते हैं। जल्द ही एग्जामिनेशन के संदर्भ में जो नोटिफिकेशन है जारी किया जाएगा। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप जो विश्वविद्यालय की जो वेबसाइट है उसका अवलोकन करते रहें। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट नोटिफिकेशन के संदर्भ में। नोटिफिकेशन रिलेटेड टू चेंज एग्जाम डेट दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हमारे सामने एक PDF फाइल डाउनलोड होगी। इस PDF फाइल को डाउनलोड करके इस प्रकार आसानी से देखा जा सकता है। परीक्षा तिथि परिवर्तन संबंधी संशोधित पूर्व विज्ञप्ति क्रमांक
25/10/2021 के संशोधन क्रम में कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 25/10/2021 की अनुपालना में राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 27/10/2021 को आयोजित होने वाली राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा एवं छात्र हितों को ध्यान में रखते हुए परीक्षा तिथियों में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है। पूर्व निर्धारित तिथि 26/10/2021 थी, इसमें परिवर्तन कर दिया गया है 30/10/2021 को। क्लास और पेपर के संदर्भ में हम यहाँ जानकारी ले सकते हैं। इसी तरह से 27/10/2021 का जो एग्ज़ाम है पोस्टपोन्ड कर दिया गया है, अब यह 1/11/2021 को होगा। इसी तरह से 2/11/2021 को होने वाला एग्ज़ाम 9/11/2021 को होगा। 26/10/2021 को 11/11/2021 यहाँ पर हम ड्यू डिग्री बीटेक एमटेक के संदर्भ में यहाँ जानकारी ले सकते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि 27, 26, 2 और 3 11/2021 को जो एग्ज़ाम थे उन्हें पोस्टपोन्ड कर दिया गया है और उनकी नवीन जो तिथियां हैं वो भी जारी कर दी गई है। शेष प्रश्न पत्रों की परीक्षाएं पूर्व निर्धारित समय सारणी के अनुसार यथावत रहेगी। तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न पत्र हैं उनमें यहाँ संशोधन किया गया है। तो इसका इस पीडीएफ फाइल का लिंक टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध करा दिया गया है, जहाँ से आप इसे आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट नोटिफिकेशन के संदर्भ में। भूगोल शास्त्र विषय के एमए एमएससी पूर्वार्ध प्रीवियस सत्र 2020 से 2021 के स्वयंपाठी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय के निम्नानुसार उनकी प्रायोगिक परीक्षा प्रायोगिक फाइल रिकॉर्ड वर्क से आयोजित की जाएगी। अतः सभी विद्यार्थी जिनका प्रायोगिक परीक्षा केंद्र भूगोल शास्त्र विभाग में है और जिन्होंने किसी कारणवश अपनी प्रायोगिक फाइल पूर्व निर्धारित तिथियों के अनुसार विभाग में जमा नहीं करवाई है, ऐसे सभी विद्यार्थियों का अंतिम अवसर देते हुए प्रायोगिक फाइल निम्न तिथियों के अनुसार विभाग में जमा की जाएगी। तो यह स्पष्ट कर दिया गया है 25 को और 26 को जो प्रैक्टिकल जो रिकॉर्ड है हमें जमा कराने होंगे। एमफिल एग्जाम सेमेस्टर एग्जाम दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हमारे सामने एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड होगी। इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके इस प्रकार आसानी से देखा जा सकता है। विलम्ब शुल्क के साथ में सेकंड सेमेस्टर यहाँ पर फीस दी गई है 1780 रुपये 25/10/2021 से 8/11/2021 तक। विलम्ब शुल्क 100 रुपये सहित यहाँ पर 1880 रुपये 9/11/2021 से 12/11/2021 तक। दिव्यांग छात्रों के लिए लिए जाने वाला शुल्क तिथि पश्चात विलम्ब शुल्क जमा कराने पर 100 रुपये अलग से चार्ज होगा, तो 600 रुपये। और बकाया प्रश्न पत्र सेमेस्टर वाइज है तो 720 रुपये। छात्र जिस सेमेस्टर में पंजीकृत होगा उसका पूर्ण परीक्षा शुल्क लिया जाएगा। उक्त परीक्षाएं दिनांक 22/11/2021 आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। उक्त पाठ्यक्रमों के परीक्षा आवेदन पत्र ऑनलाइन विश्वविद्यालय की वेबसाइट univiraj.org से भरे जा सकते हैं। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दिया गया है। परीक्षा शुल्क भी ऑनलाइन ही जमा कराया जाएगा। छात्रों से परीक्षा आवेदन पत्र सभी आवश्यक पूर्ति कर योग्य छात्रों की सूची सहित परीक्षा अनुभाग 5B कमरा नंबर 127 एवं 131 में दिनांक 15/11/2021 तक जमा करवाया जाना सुनिश्चित करें। छात्रों द्वारा भरे जाने वाले परीक्षा आवेदन पत्रों को विभाग अध्यक्ष ऑनलाइन प्रक्रिया में जांच कर नॉमिनल रोल अनुसार परीक्षा अनुभाग को अग्रेषित किया जाना अपने स्तर पर सुनिश्चित करेंगे। यह परीक्षा फॉर्म भरने का अंतिम अवसर रहेगा। तो यहाँ पर एक अंतिम अवसर और दिया गया है सेमेस्टर एग्जामिनेशन के संदर्भ में। इसी तरह से नोटिफिकेशन रिगार्डिंग न्यू एग्जाम डेट के संदर्भ में दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हमारे सामने पीडीएफ फाइल डाउनलोड होगी। यहाँ पर भी 23/10/2021 के जो एग्ज़ाम थे उन्हें पोस्टपोन्ड करके 11/11/2021 29/10/2021 25/10/9/11/20/11/25/2021 कर दिया गया है। इसके संदर्भ में हमने पूर्व वीडियोज में विस्तारपूर्वक चर्चा की है। अब बात करेंगे हम रिजल्ट के संदर्भ में। स्टूडेंट कॉर्नर दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हमारे सामने रिजल्ट का लिंक दिखाई देगा।
दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हमारे सामने एक पीडीएफ एक नया वेब पेज ओपन होगा। 25/10/2021 बी एल एल बी ऑनर्स, इसी तरह से बी पी एड फर्स्ट सेमेस्टर, बी पी एड थर्ड सेमेस्टर, बी पी एड सेकेंड थर्ड सेमेस्टर रिवेल, एम ए सोशलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर, एम पेड थर्ड सेमेस्टर, बी ए पार्ट थर्ड एग्ज़ाम 2021 22/10/2021 को घोषित कर दिया गया है। 22/10/2021 को एम ए ड्राइंग पेंटिंग जो सेमेस्टर एग्ज़ाम है उनकी भी जो परीक्षा परिणाम है घोषित कर दिए गए हैं। इसी तरह से 21/10 को भी विभिन्न बीएससी पार्ट थर्ड के जो एग्ज़ाम हैं उनके रिजल्ट घोषित कर दिए गए हैं। रिजल्ट देखने के लिए हमें दिए गए लिंक पर क्लिक करना होगा। क्लिक करते हमारे सामने रोल नंबर का ऑप्शन होगा और यहाँ हम डीओबी सेलेक्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहले ईयर सेलेक्ट करेंगे, इसके पश्चात मंथ सेलेक्ट करेंगे और इसके पश्चात डे सेलेक्ट करेंगे। फाइंड पर क्लिक करके हम अपना रिजल्ट आसानी से चेक कर सकेंगे। तो आशा करूंगा कि जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी एवं महत्वपूर्ण रहेगी। किसी भी प्रश्न की स्थिति में इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न अवश्य रखें। चैनल के माध्यम से आपके हर संभव प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया जाएगा। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। तब तक बने रहे RBSE विद अचसम के साथ। जय हिंद, जय भारत।